आज हाई कोर्ट ने एक जो फैसला दिया था निकाय चुनाव को लेकर के कि ओबीसी की सारी सीटें अब जनरल मानी जाए, मैं जानना चाहता हूं कि योगी सरकार जी आपने कैसा आरक्षण लागू किया कि हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना लगा पड़ा। पहले तो आपने अपने ही तरीके से उन सीटों को आरक्षण के हिसाब से बनाया, फिर अपने ही आदमी भेज करके आपने वहाँ पर मुकदमा दायर करा दिया। इस देश में अभी सबसे उच्चतम न्यायालय बाकी है सुप्रीम कोर्ट, अगर आम आदमी पार्टी को ओबीसी के आरक्षण के साथ में जाने के लिए वहाँ तक भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे आज। लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जिस तरह से ये भाजपा सरकार उनकी नीतियों को देख करके उनका दामन थाम करके वोट तो ले लेती है, पिछड़ों का वोट ले लेगी, दलितों का ले लेगी, सबका वोट ले लेगी, लेकिन जब हमें आगे बढ़ाने की बात आती है तो हमें किसी ना किसी तरीके से पीछे कर दिया जाता है। आज इसी को लेकर के पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो है इसकी मांग करती है कि आने वाले किसी भी चुनाव में, किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी भी जगह पे आरक्षण जो संविधान में एक 50-50 का दायरा बनाया गया है, ओबीसी को 27%, दलितों को 21% का जो आरक्षण का दिया गया है संविधान में, उसके तहत ही ये भारत देश चलता आया है, उसी के हिसाब से चीज़ों को चलाया जाए। मैं ऐसी मांग आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हमने एक ज्ञापन दे चुके हैं राज्यपाल महोदय को, डीएम साहब के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि ओबीसी भाइयों के साथ जो ये सरकार, मौजूदा सरकार जो इस तरह से वो कर रही है वो ना करे, और जो आरक्षण एक सामान्य तरीके से चलता चला आ रहा है, संविधान के तरीके से चलता चला रहा है, वो लागू हो।